बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आज हम बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक पर आपके साथ वीडियो शेयर करने वाले हैं। आज का टॉपिक है व्हाई यू गेट टमी, आप मोटे क्यों होते हैं। ये वीडियो आपकी डाइट, लाइफस्टाइल और फिजिकल एक्टिविटी के बारे में है कि ये कितना मैटर करती है। जब आपकी एज 19 to 22 ईयर्स के दरमियान होती है, यू नॉट हैव टमी, बट जैसे ही 32 प्लस एज होती है तो 50% पीपल्स हैव टमी, और 50 प्लस पहुँचते पहुँचते तो 90% पीपल्स हैव टमी। सो वाई दे रीच दिस प्रॉब्लम, इसकी वजह जानने के लिए कंप्लीट वीडियो देखें। आपके मोटापे की मेजर वजह हो सकती है इम्प्रॉपर मेटाबॉलिज्म या आपके फूड की स्लो डाइजेशन। जब आपका फूड बहुत स्लो डाइजेस्ट हो रहा होगा तब आप ये प्रॉब्लम फेस करेंगे। जब आपके डाइजेस्टिव एंजाइम्स का रिलीज होना कम हो जाएगा देन यू गेट टमी, तब आप ओबेसिटी की तरफ जाएंगे। आइडियली जब आप डिनर कर रहे हों तो आपका ब्रेकफास्ट लार्ज इंटेस्टाइन में होना चाहिए और लंच स्मॉल इंटेस्टाइन में और डिनर आपके स्टमक में, लेकिन नॉर्मली ऐसा नहीं हो रहा। नॉर्मली ब्रेकफास्ट आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में है और लंच भी स्मॉल इंटेस्टाइन में है और डिनर आपका स्टमक में है, तो देयर आर मोर फूड एंड मोर प्रेशर ऑन स्मॉल इंटेस्टाइन। इस प्रेशर की वजह से आपके डाइजेस्टिव मसल्स की एक्टिविटी कम हो जाती है, जिसकी वजह से एंजाइम्स जो आपके फूड को हजम करने में हेल्पफुल होते हैं स्लो हो जाते हैं। इसीलिए काफ़ी लोग ब्लोटिंग की शिकायत करते हैं, इसमें गैस की प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाती है, काफ़ी लोगों को गैस इशू होना शुरू हो जाता है और ये इशू परमानेंट भी हो सकता है। सो व्हाई डाइजेशन स्लो, एंजाइम्स लेस क्यों रिलीज होते हैं, इसकी कुछ रीजंस मैं आपके साथ शेयर करूंगी, जिनमें से एक मेन रीज़न है मेंटली स्ट्रेस। जब आप स्ट्रेस्ड होंगे तो ये आपकी फिजियोलॉजी पर इफ़ेक्ट करेगा। जब आपकी बॉडी की फंक्शनिंग ठीक नहीं होगी तो एंजाइम्स कम रिलीज होंगे, हार्मोन्स कम रिलीज होंगे, जिसकी वजह से आप ओबेसिटी की तरफ जा सकते हैं। सेकेंड है फिजिकल एक्टिविटी का ना होना, लाइक नो एक्सरसाइज, नो डोमेस्टिक वर्क, आप कोई भी घर का काम नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल लेजी लाइफस्टाइल है, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो सकती है। थर्ड रीज़न है फैट इंटेक ज़्यादा होना, आपकी डाइट में जंक फूड ज़्यादा होना, ऑयल इंटेक ज़्यादा होना, जो कि आपके मोटापे की वजह बन सकती है। इसके अलावा ये आपके लीवर और हार्ट को भी डैमेज कर सकता है। फोर्थ एंड लास्ट रीज़न है स्लीपिंग इश्यूज। अगर आप रात देर तक जागेंगे और सुबह देर तक सोएंगे तो आपकी फिजियोलॉजी डिस्टर्ब हो जाएगी, जिसकी वजह से आपको काफ़ी बीमारियां आ सकती हैं। सो हाउ यू सेव योर सेल्फ फ्रॉम टमी, आप टमी से खुद को कैसे बचा सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको स्ट्रेस से दूर रहना होगा, आपको खुद को हैप्पी रखना होगा। सेकंड, आपको फिजिकल एक्टिविटी को बढ़ाना होगा, आप अपने घर के काम करें, खुद को बिजी रखें, एक्सरसाइज करें। थर्डली, फैट इंटेक को कम करें, जंक फूड से बचें। एंड लास्ट, अपनी नीड को पूरा करें ताकि आपकी फिजियोलॉजी ठीक से वर्क करे। थैंक यू। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करें और हमारे चैनल सेहत पीडिया को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।